हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग विद संजू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल कस्टर्ड आइसक्रीम। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो बार बार आप इसे बना के खाएंगे। मार्केट की महंगी से महंगी आइसक्रीम भी इसके आगे फेल है। तो चलिए घर में बने फ्रेश टेस्टी कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है 1/2 लीटर नॉर्मल दूध। ये फुल फैट क्रीम दूध नहीं है फ्रेंड्स। और ये मैंने ली है 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये फ्रेंड्स घर की जिससे हम दाल चावल खाते हैं उसी चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है। आप सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ठंडा दूध फ्रेंड्स हमेशा कस्टर्ड पाउडर में डाला जाता है, नहीं तो क्या होता है कि इसमें लम्ब्स बन जाते हैं और फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। अब हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स मैंने पहले से उबला हुआ दूध लिया है। अगर आप कच्चा दूध लें तो पहले इसे बॉईल कर लें और थोड़ा सा ठंडा दूध लेके अलग से कस्टर्ड पाउडर का मिक्स तैयार कर लें और उसके बाद उसमें आप मिलाएं। और अब मैं इसे पहले इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स अभी मैंने हाई पे रखा है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और इसे लगातार मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे बैठे नहीं। और इसे जब तक आप एक बॉयल नहीं आता तब तक आप फुल पे रखें। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको इसे पकाना है, जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। ऐसे कस्टर्ड पाउडर डालने से ये दूध जल्दी ही जो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में बॉयल आ चुका है और अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये आपको पता चल जाएगा ये गाढ़ा कैसे हुआ है। जब ये स्पैटुला से इस तरीके से लगे तो ये देखिए इसकी एक कोटिंग हो रही है, इसका मतलब ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दूंगी 3/4 कप चीनी। चीनी फ्रेंड्स आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे आइसक्रीम में थोड़ा सा मीठा ज्यादा ही अच्छा लगता है, फिर क्या आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। चीनी डालने के बाद फ्रेंड्स ये दूध जो है वापस से थोड़ा पतला होगा, तो अभी हमें इसे लगभग 3 से 4 मिनट यानी थोड़ा सा और पकाना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरीके से आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिएगा कि ये स्पैटुला के लग रहा है या नहीं लग रहा है और इसकी कोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे फ्रेंड्स आप थोड़ी देर के लिए या तो स्लैब पे ठंडा होने दें या फिर आप इसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फ्रीजर के अंदर आपको बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये जम जाएगा। फ्रिज में रख दीजिए, जब ये 2 घंटे में अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ले लिया है एक बॉल और फ्रेंड्स ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा इस पे आइस क्रिस्टल्स जमे हुए हैं। ये मैंने फ्रीजर में रखा था क्योंकि जब भी आप व्हिपिंग क्रीम व्हिप करें हमेशा ठंडे बॉल में करें, क्योंकि हमारी आइसक्रीम को आज बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए मैं नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने फ्रेंड्स जस्ट अभी फ्रीजर से निकाली है इसलिए ये जमी हुई है। तो टोटल 1 कप व्हिपिंग क्रीम का हमें इस्तेमाल करना है। आप रेगुलर अमूल वाली क्रीम का इस्तेमाल ना करिए क्योंकि अगर आप इसे फेटेंगे तो उस वो फेटी नहीं जाएगी, वो एकदम लिक्विड जैसी ही रह जाती है। तो अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा लुक चाहिए तो आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आराम से किसी भी स्टोर पे या कहीं पे भी आपके इजिली बेकरी वगैरह पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब भी आप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करें थोड़ा सा पहले से फ्रीजर से निकाल दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या इसको थोड़ा व्हिप करने में टाइम लग जाता है। तो ये मैंने टोटल 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है फ्रेंड्स और अब मैं इसे विस्कर से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे लगभग 10 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स फेंटने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्रीम फेट कर अच्छे से तैयार कर ली है और इसके बिल्कुल स्टिफ पेक्स आ चुके हैं। इस स्टेज पर फ्रेंड्स जब आपकी क्रीम आ जाए इसका मतलब वो आपने अच्छे से उसको फेंट लिया है। जब देखिए मैं बॉल को टेढ़ा कर रही हूँ तो क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, देखिए, तब आप इसको फेंटना बंद कर दें और ये पूरी तरीके से तैयार है। ये हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जब ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये देखिए पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे सारा इसमें ट्रांसफर कर लेंगे हमारी व्हिपिंग क्रीम वाले मिक्सचर में और डाल के इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारा इसमें ट्रांसफर कर दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगभग 2 मिनट लगेंगे। आप इसे अच्छे से फेंट लें।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से 2 मिनट तक फेंट लिया है। इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है। देखिए आपको, बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आए हमारा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप लाइक करें तो डालें, अदरवाइज आप इसे पूरी तरह स्किप कर दें। अब मैं इसे अच्छे से वापस मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से फेंट कर और एक फॉइल शीट से, एल्युमिनियम फॉइल शीट से कवर कर दिया है। अब हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए फ्रीजर में सेमी सेट होने के लिए रख देंगे और 2 घंटे बाद में हमें फ्रेंड्स इसे वापस बिस्कर से या बीटर से बीट करना है ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए और बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार होगी। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे लगभग 2 घंटे बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो आइसक्रीम है वो सेमी सेट हो चुकी है। मैं इसका फॉइल कवर जो है वो हटा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। लेकिन अभी हम इसे एक बार और फेटेंगे। मैं इसे विस्कर से फेट रही हूँ तो लगभग 5 मिनट इसे हम और फेटेंगे ताकि इसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स हो वो हट जाएं। अगर आपके पास बेटर है तो आप बेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्सर जार को थोड़ी देर, घंटे भर के लिए फ्रीजर में रख के जब वो ठंडा हो जाए उसके अंदर भी आप इसे फेट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है विस्कर की मदद से और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अब हम इसे फाइनली सेट होने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। सबसे पहले मैं इस एक जो भी जिसमें भी आप आइसक्रीम जमाएंगे उसके अंदर एयर टाइट कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर का बर्तन ले लिया है और इसमें हम इसे सारा जो केक आइसक्रीम का मिक्सचर है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। मैं इसमें फॉइल पे शीट बिछा कर ट्रांसफर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि इससे क्या होगा कि जब हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी तो उसे निकालने में बिल्कुल आसानी रहेगी। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसके ऊपर भी फ्रेंड्स फॉइल शीट बिछा दी है और इसे अब हम लगभग सेट होने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। थोड़ा सा हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर बच गया था फ्रेंड्स वो मैं प्लास्टिक के कप्स में निकाल देती हूँ और इसे भी फ्रेंड्स फॉइल शीट से कवर करके हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कप फाइनली तैयार हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ लगभग 6 से 7 घंटे के बाद में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम सेट होकर बिल्कुल तैयार है। इसे करीबन मैंने 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कप्स के ऊपर से फॉइल पेपर को हटा लिया है। ये देखिए इसमें कहीं भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरह जमकर तैयार हुई है और ये एक हमने जो एयर टाइट कंटेनर में जमाई थी वो, ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से जमकर तैयार हुई है। अब मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कस्टर्ड आइसक्रीम के पीसेस कर लिए हैं और इन्हें चेरी से डेकोरेट किया है। ये दिखने में फ्रेंड्स जितने लाजवाब है, खाने में उतनी ही शानदार और टेस्टी है। इसमें कहीं भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है, बिल्कुल बाजार वाली जैसे हम कस्टर्ड आइसक्रीम खाते हैं वैसे ही मलाईदार आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। और ये फ्रेंड्स, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से और बिना परेशानी के ये बन जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका टेक्सचर जो है वो आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना तो ज़रूर बनता है और होली भी आ रही है तो गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद फ्रेंड्स आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।